Hello everyone, myself Sachin Sharma. I am pursuing BSc Optometry from Impact Paramedical and Health Institute. So today I am going to tell you about extraocular muscles. So let's get started. तो मैं extraocular muscles के बारे में बता रहा हूँ. एक्स्ट्राओकुलर बेसिकली वो मसल्स हैं जो हमारे आई को मूव करती है. ये दो टाइप्स के हैं. पहला है वॉलंटरी, वॉलंटरी मसल्स उसे कहते हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिस मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं. ये सात होते हैं. दूसरा है इनवॉलंटरी. ये तीन होते हैं और ये इनवॉलंटरी मसल्स उसे कहते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते. अब मैं सबसे पहले इनवॉलंटरी मसल्स के बारे में बता रहा हूँ. तो ये बेसिकली तीन टाइप्स के हैं. पहला है सुपीरियर टार्सल, दूसरा है इंफीरियर टार्सल, तीसरा है ऑर्बिटेलिस मसल्स. बेसिकली इनकी नर्व सप्लाई जो होती है वो सिंपथेटिक नर्व से होती है. और हम बात करते हैं वॉलंटरी मसल्स की. वॉलंटरी मसल्स को बेसिकली तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला है रेक्टस. तो रेक्टस मसल्स फोर हैं. ऑब्लिक दो, लास्ट एलपीएस. एलपीएस मीन्स वेंट्रल. रेक्टस में पहला है सुपीरियर रेक्टस, दूसरा इंफीरियर रेक्टस, तीसरा लेटरल रेक्टस, चौथा मीडियल रेक्टस. तो रेक्टस हमारे चार टाइप्स के होते हैं और ऑब्लिक दो. ऑब्लिक पहला है सुपीरियर ऑब्लिक, दूसरा इंफीरियर ऑब्लिक. जो हमारा रेक्टस मसल्स है वो ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम कॉमन टेंडिनस रिंग. और ये अटैच होता है स्क्लेरा से, अटैच टू द स्क्लेरा. जो हमारा सुपीरियर ऑब्लिक होता है वो ओरिजिनेट होता है, ओरिजिनेट फ्रॉम द
बॉडी ऑफ द स्फेनॉइड, स्फेनॉइड बोन। जो हमारा इन्फीरियर ऑब्लिक होता है वो ओरिजिनेट होता है एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ऑर्बिटर फ्लोर, और लेवेट्रल पल्पेब्राए सुपीरियर्स ओरिजिनेट होता है लेसर विंग, लेसर विंग ऑफ द स्फेनॉइड बोन। जो हमारा लेवेट्रल पल्पेब्राए सुपीरियर्स होता है वो आई लीड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स में जो हमारे रेक्टस और ओब्लिक मसल्स होते हैं वो आई बॉल की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।